वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। आई एम योर सी अंकल। टुडे इज अवर टॉपिक हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन फ्रॉम क्लास 10। ये हेरिडिटी क्या है और एवोल्यूशन क्या है, तो अब हम इसी पर डिस्कस करते हैं। जैसे आप हैं और आपकी कौन है, मॉम है और डैड है, तो कभी कभी हम कहते नहीं, आप अपनी माँ से मिलते जुलते हैं, आपकी आइज है, कहते हैं आप अपने फादर की तरह ये टॉल है, ये इस तरीके से कुछ फीचर्स, कुछ हेयर, कुछ आइज, कुछ चीज़ें जो है सिमिलरिटी होती है, मतलब दिखते हो, कहते हैं ये बच्चा जो है ये गुस्सा, अरे इसको तो गुस्सा बहुत आता है, ये बिल्कुल अपने बाप पे गया है, यही कहते हैं ना। तो ये सब चीज़ें आपके अंदर कहाँ से आई हैं, आपकी मॉम से आई हैं, आपके डैड से आए हैं, तो इसको हम क्या कह देते हैं, इसी को हम हेरिडिटी कहते हैं या इनहेरिटेंस कहते हैं। हम कह सकते हैं जैसे ये आप देख रहे हैं डायग्राम, ये मॉम है, ये डैड है और ये आपके कुल मिला के पेरेंट्स हो गए, तो उनकी कुछ कैरेक्टर्स हैं और ये फीचर्स हैं और या ट्रेट्स हैं, फीचर्स, ट्रेट्स एंड कैरेक्टर्स ट्रांसफ़र हो रहे हैं, तो ये क्या हो गए, पासिंग हुए, ट्रांसफर हुए, ये करेक्टर, फीचर्स और ट्रेट्स इसमें आ गए, आपके अंदर आ गए, यू में आ गए, बाई ओ यू, तो इसी को हम क्या कहते हैं, ट्रांस, इसी को क्या कहते हैं, हेरिडिटी कहते हैं। ठीक है, कुछ करेक्टर्स, फीचर्स फ्रॉम पेरेंट्स कहाँ से आते हैं, द प्रोसेस ऑफ पासिंग ट्रांसफर, पासिंग कह लो चाहे ट्रांसफर कह लो, सम करेक्टर्स, फीचर्स एंड ट्रेस टू ऑफ स्प्रिंग, आप क्या हैं, उनके ऑफ स्प्रिंग से, ये ऑफ स्प्रिंग और ये ट्रेड, ये फीचर्स आप जानते हो। अब नया वर्ड आया है ट्रेड, ये ट्रेड्स क्या होते हैं हम आपको बताते हैं। अब आप करेक्टर्स क्या होते हैं, जैसे मान लो ये हेयर है, अब हेयर कैसे है हमारे, ये ब्लॉन्डे हैं, मतलब या ब्राउन है बातें, या वाइट है, या ब्लैक है, तब ये क्या है, ये करेक्टर हेयर है और ये ट्रेड्स हैं। अब जैसे हाइट, HIGHT, अब उसकी हाइट कैसी है, टाल है, शॉर्ट है या डवार्फ है, इसी तरीके से हम आइज लेते हैं, क्या लेते हैं, आइज, अब आइज कैसी हैं, ब्लू हैं, ब्राउन हैं या ब्लैक हैं, तो ये तो हो गए ट्रेट्स, ये क्या हो गए, ये हो गए ट्रेट, और ये आइज क्या हो गई, करेक्टर, और हेयर हाइट क्या हो गई, ये करेक्टर हो गई, ओके। आप देख रहे होंगे ये डायग्राम, आर यू, डू यू सीइंग दिस, डू यू सी हेरिडिटी एंड ग्रैंड फादर, दादाजी, ग्रैंड मदर, दादी जी, बाय द ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर, प्रोड्यूस फादर, इधर हेयर इज नानी जी, ग्रैंड फादर एंड ग्रैंड मदर, नाना नानी, तो इधर हुए दादा दादी, ये ब्लैक ब्लैक वाले और ये दादा, और ये रेड पेन से ये फादर मदर है, तो कुछ करेक्टर्स आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, हम तीसरी जनरेशन से लेकर चलिए, फर्स्ट जनरेशन और ये सेकेंड जनरेशन, ये थर्ड, ओके। तो सम करेक्टर्स, फीचर्स, प्रॉपर्टीज और ट्रेड्स कैम फ्रॉम ग्रैंड पेरेंट्स इन अवर पेरेंट्स, किसमें आ रहे हैं, अवर पेरेंट्स के अंदर आ रहे हैं, क्या आ रहा है, कुछ फीचर्स आ रहे हैं, कुछ करेक्टर्स आ रहे हैं, ट्रेड्स आ रहे हैं, कुछ प्रॉपर्टीज आ रही हैं, तो किसमें आ रहे हैं, हमारे पेरेंट्स में आ रहे हैं, मदर एंड फादर में, और मदर एंड फादर प्रोड्यूस व्हाट, रिप्रोड्यूस यू, हमको, आपको, आप पर ही हम कह रहे हैं यू, तो यू भी हम क्या हैं, अपने पेरेंट्स के ऑफ स्प्रिंग्स हैं, ऑफ स्प्रिंग्स मतलब चाइल्ड हैं, सन है, डॉटर है, ओके, या हम प्रोजनी कह सकते हैं, प्रोजनी ऑफ स्प्रिंग्स यू, ओके। तो क्या हो रहा है, एक इनहेरिटेंस का मतलब होता है किसी चीज़ को विरासत, लोग कहते हैं विरासत में वो चीज़ हमको मिली है, जैसे गुस्सा, जैसे कहते हैं इसके ब्लड में इसके ऐसा
ऊपर से ही चला रहा है, उनके जीन में ऐसा है। अब हम आपको बताते हैं ये जीन क्या होता है, सब कुछ हम आपको धीरे धीरे बताएंगे, ठीक है। कुछ ऐसी विशेषताएं, कुछ ऐसे गुण या ऐसी क्वालिटी जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स से आई, पेरेंट्स से आई और हम में, तो इसी को हम तो कहते हैं अनुवंशिकता या हेरिडिटी। ओके, इनहेरिटेंस, हेरिडिटी। हेरिडिटी इज द प्रोसेस ऑफ, मतलब एक प्रोसेस चल रहा है, प्रोसेस किसका हो रहा है या ट्रांसफ़र हो रहे हैं ट्रेड्स, प्रॉपर्टीज, करेक्टर्स, ठीक। कहाँ से आ जा रहे, फ्रॉम पेरेंट्स, इसमें आ रहे टू ऑफ स्प्रिंग, ये ऑफ स्प्रिंग कौन है, चाइल्ड है, प्रोजनी है। ओके, फ्रॉम पेरेंट टू ऑफ स्प्रिंग, दैट इज कॉल्ड हेरिडिटी। एक डिफिनेशन और देख लीजिए, हेरिडिटी इज द फेनोमेना ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेड्स, फीचर्स और करेक्टरिस्टिक ऑफ पेरेंट्स टू ऑफ स्प्रिंग्स। अब एक चीज़ और ध्यान रखना है, हेरिडिटी, द प्रोसेस ऑफ हेरिडिटी इज ऑल्सो कॉल्ड इनहेरिटेंस, हेरिडिटी को ही इनहेरिटेंस कहते हैं। तो ये दो तरीके से होते हैं, ट्रेड्स करेक्टरिस्टिक आर टू टाइप, एक होते हैं इनहेरिटेड ट्रेड्स, एक होते हैं एक्वायर्ड ट्रेड्स। इनहेरिटेड ट्रेड्स वो होते हैं जिनको हमें पेरेंट्स से मिलते हैं, जो हमें विरासत के रूप में हमारे अंदर जो आ रहे हैं विशेषताएं या जो भी चीज़, और एक्वायर्ड जो होते हैं जो हम हासिल करते हैं, जैसे हम पढ़ा रहे हैं, हमने आप पढ़ रहे हैं, आपके पास ये नॉलेज गेन कर रहे हैं, आप बाइक चला रहे हैं, क्या ग्रैंड पेरेंट्स बाइक चलाना जानते थे, मोबाइल चलाना जानते थे, नहीं जानते थे। ये चीज़ें हैं हमारी लाइफ टाइम में जो हम सीखते हैं, जो हम अपनी खुद सीखते हैं, जैसे स्विमिंग हुई, जो भी चीज़ हुई, तो इसको हम एक्वायर्ड कहते हैं। और जो चीज़ हमको, जैसे हमारी आईश, जैसे फेस और कुछ चीज़ें मिलती जुलती जो पेरेंट्स हैं हमारे, और कुछ क्वालिटीज जो काम बोलने चालने का चाल तरीका जो होता है कुछ पेरेंट्स से मिलता जुलता होता है, तो उसको कहते हैं इनहेरिटेड ट्रेड्स। अब आप देख रहे होंगे कि इनहेरिटेटेड ट्रेड्स एंड एक्वायर्ड ट्रेड्स, इनहेरिटेटेड ट्रेड्स वो होते हैं जो ट्रांसफ़र होते हैं पेरेंट्स से आकर अपने बच्चों में, ऑफ स्प्रिंग। तो जैसे हाइट, स्किन कलर, कर्ली हेयर, नोज, आइज, ईड्स वगैरह वगैरह, ठीक है। तो दीज आर जेनेटिक वेरिएशंस कॉज्ड इन रिप्रोडक्टिव टिश्यूज। अब एक्वायर्ड ट्रेड्स क्या होता है, दीज ट्रेड्स आर डेवलप्ड, ये डेवलप्ड होते थ्रू द लाइफ टाइम में हम जो भी सीखते जीवन में, जैसे लर्निंग म्यूजिक, संगीत, सिंगिंग, डांसिंग, गेनिंग, रीडिंग, राइटिंग, ड्राइविंग, स्विमिंग, ये चीज़ें हम सीखते हैं। क्या हमारा मतलब जो भी हम रिप्रोड्यूस करेंगे नेक्स्ट जनरेशन, हमारे डॉटर्स या सन्स होंगे, क्या हम राइटिंग करना जानते हैं, पढ़ाना जानते हैं, क्या वो डायरेक्टली उनको भी क्या होगा, सीखना पड़ेगा, पढ़ नहीं सकते। अब हमारे पास जो डिग्रीज हैं, जो आप पढ़ रहे हैं जिस क्लास में, टेंथ में, अगर आप अभी से पढ़ाई, आपका जो न्यू बॉर्न बेबी होगा आगे जाके आपके डॉटर या सर, क्या वो भी क्लास टेंथ डायरेक्ट पैदा होगा, नो, उसको पढ़ना पड़ेगा, उसको भाई सीखना पड़ेगा। तो हमारा अपना अपना, और ये कुछ चीज़ें होती हैं जैसे हमारी हाइट है, आइज हैं, ये हेयर का कलर है, ये हमारी हो सकता है हमारी जनरेशन में हमारे डॉटर्स या सन में हो सकते हैं। ओके, तो ये थे इनहेरिटेड ट्रेड्स और ये थे एक्वायर्ड ट्रेड्स। एक चीज़ और वेरी इंपॉर्टेंट, सोमैटिक क्या, रिप्रोडक्टिव क्या होता है, जेनेटिक क्या होता है, ठीक है। दीज आर जेनेटिक वेरिएशन और दीज आर सोमैटिक वेरिएशन, जो चीज़ हम लाइफ में अपनी प्राप्त करते, गेट करते, सीख कर या पढ़कर, वो चीज़ तो हो गई सोमैटिक वेरिएशन, और जो चीज़ हमारे जीन में जो हमें पेरेंट्स से मिलती है वो होती है हमारी जेनेटिक वेरिएशन, वेरिएशन कॉज्ड इन नॉन रिप्रोडक्टिव टिश्यूज। अब हम बात करते हैं एवोल्यूशन पर, डू यू नो व्हाट इज दिस एवोल्यूशन, एवोल्यूशन होता क्या है। पहले सबसे पहले एक छोटा सा मोबाइल आया था, सादा, केवल उस पर कॉल हो सकती थी। फिर उसके बाद मोबाइल आया, उसमें थोड़ा कलर में आया, फिर उसके बाद थोड़ा म्यूजिक वगैरह, रैम वगैरह, तो 2G, 3G, फिर 4G, अब 5G आ रहा। अब ये 2G, 3G, 4G, तो ये क्या है, वेरिएशन तो है, मतलब कुछ चेंजिंग होती आ रही ऐसे ऑर्गेनिज्म में, समझ गए।
पहले आदमी कैसे चलता था, कैसा दिखता था, फर्स्ट जनरेशन का जो दुनिया बनी होगी आफ्टर डायनासोर, डायनासोर ख़त्म होने के बाद जब ऑर्गेनिज्म आए तो उसमें वेरिएशंस होता रहा। पहले जैसे लाइक है जब मंकी दिखता था ह्यूमन बीइंग, तो धीरे धीरे डेवलप होता रहा, चेंजिंग होती रही, उसमें नए नए फीचर्स आते रहे, नई नई क्वालिटीज आती रही, अब शेप में बनावट में बदलाव होता रहा, उसी बनावट या बदलाव को, उसी अंतर को या उसी डिफरेंस को हम क्या कहते हैं, विकास कहते हैं। क्या कहते हैं, विकास। जो हमारे देश का गांधी जी ने भी बहुत विकास किया था और नेहरू जी ने भी विकास किया, विकास होते देश में चला आ रहा है, गुलाम था गुलाम से आज़ाद हुआ, आज़ाद से, अब तो मोदी जी तो विकास का लाइन ही लगाए हैं बिल्कुल। विकास देखिए, विकास तो दौड़ रहा है देश में, चल नहीं रहा तो दौड़ रहा है, देखिए कितना विकास हो रहा है। आप इस पिक्चर में देख रहे हैं कि ड्राई पैथोकस, रामा पैथोकस, ऑस्ट्रेलोपैथिकस, होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस, फिर उसके बाद नियंडरथल मैन, क्रोमंगोल मंगोलियन मैन, मॉडर्न मैन, तो इनमें कितना डिफरेंस है। देखो फर्स्ट जनरेशन, देखिए ड्रायोफोथिकस, रामापैथिकस सबसे ऊपर है, वो दो ऊपर मंकी, सबसे नीचे आ जाइए, फिर देखिए आज के मॉडर्न में कितना चेंजिंग हो गई, कितना डेवलप हुआ, कितना विकास हुआ। इसी डेवलप को, इसी विकास को, इसी चेंजिंग को हम क्या कहते हैं, एवोल्यूशन कहते हैं। अब एवोल्यूशन होता है क्या, इस रिजल्ट पर, एवोल्यूशन इज द प्रोसेस, एक प्रोसेस चला रहा है फ्रॉम फर्स्ट जनरेशन से, इज द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट और डेवलपमेंट, डेवलप हुआ है, विकास हुआ है, विकसित, इसी को क्या कहते हैं, ऑफ न्यू टाइप, मतलब एक नए टाइप का ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, फ्रॉम ओल्ड वन, जो फ्रॉम ओल्ड वन, जो सबसे पहली जनरेशन की बात करें, बाय ग्रेजुअल चेंज दैट इज कॉल्ड एवोल्यूशन, सिंपल सी। अब एवोल्यूशन में बात आती है वेरिएशन ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन, ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन वेरिएशंस आर टू टाइप्स, एस सेक्सुअल एंड सेक्सुअल। इन लास्ट चैप्टर हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, हमने ये इसमें पढ़ा था सेक्सुअल और एस सेक्सुअल में वन पेरेंट इन्वॉल्व होता है, लेस एनर्जी होती, लेस टाइम लगता है और लेस वेरिएशन होते हैं। सेक्सुअल में मोर एनर्जी, मोर टाइम और मोर वेरिएशन। तो क्या ये वेरिएशन इम्पॉर्टेंट है? हाँ बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है। क्यों, देखिए आगे इम्पॉर्टेंट क्यों, इसको समझने से पहले हम दोनों चीज़ें यहाँ पर समझें, हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट ये डायग्राम है, एक्युमुलेशन ऑफ वेरिएशन ड्यूरिंग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड क्रिएशन ऑफ डाइवर्सिटी। देखो डाइवर्सिटी इसमें भी, तो ये क्या है, पेरेंट है, तो इसके क्या ये प्रोजनी या ऑफस्प्रिंग से, फिर ये क्या, फिर ये दोनों पेरेंट्स बन गए, फिर ये क्या हो गए, ऑफस्प्रिंग, ये इनके हो गए। तो इसमें जो मैच हो रहे हैं जो चीज़ें, वो तो हो गई हेरिडिटी, और जैसे इसमें ये रेड है, ये इसमें रेड क्वालिटी है, इसमें रेड क्वालिटी नहीं है, इसमें ये क्वालिटी है तो इसमें, और इसमें दो क्वालिटी नहीं, तो ये कुछ जो चेंज है वो क्या हो गए, वेरिएशंस हो गए। तो इसमें ये, तो ये क्या है, दिस इज ए वेरी गुड फंडा टू अंडरस्टैंड द एवोल्यूशन एंड वेरिएशन। वेरिएशन आर वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑर्गेनिज्म, वेरिएशंस होते हैं, ये न्यू चेंज होते हैं ऑर्गेनिज्म में, बहुत ही ज़रूरी होते हैं। क्यों, टू सर्वाइव, सर्वाइव करने के लिए। इफ़ एनी ऑर्गेनिज्म वांट टू लिव ऑन अर्थ फॉर ए लॉन्ग पीरियड, अगर कोई ऑर्गेनिज्म जो है एक लंबे पीरियड तक अपना एग्जिस्टेंस या अस्तित्व अपना या अपना वजूद बनाए रखना चाहता है, तो उसमें वेरिएशंस बहुत ज़रूरी है। अब कैसे ज़रूरी है, अब हम एक बैक्टीरिया के जरिए हम समझते हैं, एक एग्जाम्पल के तौर पर। क्या आपने बैक्टीरिया के बारे में सुना है, ये हमारी पृथ्वी पर बहुत ही पुराना और अर्थ पर चला आ रहा है, तो इसमें एक तो लेस वेरिएशन होता है और नो वेरिएशन होता है। तो अब ये कैसे, अब हम समझते हैं कि वेरिएशन इस एग्जाम्पल के जरिए, कौन से एग्जाम्पल के जरिए, बैक्टीरिया के जरिए। बैक्टीरिया मतलब बहुत ही पुराना ऑर्गेनिज्म है हमारी अर्थ का। मान लो कोई एस्ट्रॉयड हमारी अर्थ से टकरा जाए, जब अर्थ से टकरा जाएगा तब क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, किसका, हमारी अर्थ का। क्या सर्वाइव कर पाएंगे बैक्टीरिया, कैसे, देखिए क्या होता है जब एक एस्ट्रॉयड हमारी अर्थ से टकराता है, और उसके बाद क्या बैक्टीरिया बच पाते हैं या नहीं। एस्ट्रॉयड
कार्ड के टकरा जाने के बाद तब क्या होता है, अब ये बैक्टीरिया बचेंगे कि सारे ख़त्म हो जाएंगे अर्थ। एक तो बैक्टीरिया में खास बात यह था, नो वेरिएशन या लेस वेरिएशन, नो वेरिएशन या लेस वेरिएशन बहुत कम है। तो हम किसी एक बैक्टीरिया को क्या करेंगे, उसको चेक करेंगे कि अगर वो सर्वाइव कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। अगर एक सर्वाइव कर लेता है तो इसका मतलब है तो आल सर्वाइव कर लेंगे। अगर वो मर जाता है वो बैक्टीरिया, क्योंकि अब जब एस्ट्रॉइड जब टकराता है अर्थ से तब क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा, मतलब और हॉट हो जाएगा, उसकी गर्मी बढ़ जाएगी, तो हमारी लैंड एरिया ऑफ द अर्थ की जो है क्या हो जाएगी, हॉट हो जाएगी, गर्म हो जाएगी। तो जिससे होगा, अगर एक बैक्टीरिया बच गया तो समझ लो तो सभी बैक्टीरिया बच जाएंगे। क्या होता है, टेम्परेचर हॉट हो जाता है, मतलब टेम्परेचर अर्थ का क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो या तो तब एक मरेगा तो सभी मर जाएंगे, अगर एक बच गया तो सारे बच जाएंगे। आल आल डाइड आर आर एलाइव, मतलब नो वेरिएशन होने की वजह से बिल्कुल सिमिलरिटीज काफ़ी होती हैं किसमें, बैक्टीरिया में। इसका रिजल्ट यह होता है, एक अगर बच गया इस टेम्परेचर, इस हॉट से, इस गर्मी से ऑफ अर्थ की, हमारी पृथ्वी की, तो सारे बच जाएंगे। अगर एक मर गया तो सारे मर जाएंगे। लेकिन ऐसा क्या हो पाना मुमकिन है? अब चांस ऑफ एलिमिनेशन, चांस ऑफ एलिमिनेशन में क्या होता है, तब इसमें यह होता है कि हम ये कह सकते हैं कि एक लंबे समय से, एक लॉन्ग पीरियड से बैक्टीरिया हमारी अर्थ पर रह रहे हैं। जब एक लंबे पीरियड से हमारी अर्थ पर रह रहे हैं तो क्या होगा, इसमें कुछ तो वेरिएशंस आए होंगे, एसेक्सुअल तो क्या हुआ, कुछ तो वेरिएशंस आए। अब होता है क्या, अब यहाँ पर के जो है बच जाएंगे और यहाँ पर के जो है ख़त्म हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ, ऑल स्पीसीज ऑफ बैक्टीरिया विल नॉट बी डाई, मतलब पूरी एक उसकी जात, बैक्टीरिया की सारी जात नहीं पृथ्वी पर ख़त्म होगी, मतलब कुछ तो बच जाएंगे। क्यों, किसकी वजह से, वेरिएशन होने की वजह से। देखा वेरिएशंस कितने इंपॉर्टेंट है, वेरिएशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज अवर, हम बात करते हैं वेरिएशंस की बात ह्यूमन में, वेरिएशंस इन ह्यूमन। जैसे उसकी हम हाइट, जिससे हाइट, नंबर टू हाइट, स्किन कलर नोज ईयर्स आइज, हाइट हाइट की बात कर रहे हैं, आइज की बात, एयर लॉस की बात कर, तो मतलब एक तरीके का नहीं, मतलब ईट्स। ओके, अब ये वेरिएशन किस में, हाइट में, स्किन में और नोज में, एयर्स आइज में, हाइट में, ये इनके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? हम बात ह्यूमन की कर रहे थे ना, जीन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वेरिएशन। ओके, अब ये जीन्स होता कहाँ है, कैसे होता है, कैसे वर्क करता है, देखिए आप ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये क्या है, सेल, और ये क्या है, न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, कैसा होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ये क्या होता है, क्रोमोसोम, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स होते हैं। ओके, ये क्रोमोसोम्स, अब क्या होता है कि इन क्रोमोसोम्स आर डीएनए, और इन डीएनए में होते हैं जीन्स। हम कह सकते हैं, जैसे एक फिर से जरा समझ लीजिए, ये सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स हैं, क्रोमोसोम, और क्रोमोसोम
क्रोमोसोम्स के अंदर डीएनए है और डीएनए के अंदर क्या है, जीन्स है, जीन है, सिस स्ट्रक्चर मेंबर। ओके समझ में आ गया। तो हम फिर एक बार सुनिए, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स हैं, क्रोमोसोम्स के अंदर डीएनए है, डीएनए के अंदर जीन है, क्या जीन है। ओके क्लियर पॉइंट दिस, समझ में आ गया। अब ये जीन्स जो होते हैं, जीन्स ये वेरिएशन और हेरिडिटी या हेरिटेंस दोनों के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब ये वर्क कैसे करते हैं देखिए आगे। वी कैन से जीन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इनहेरिटेंस और वेरिएशंस। ओके वेरिएशन ट्रेड्स आर डिसाइडेड बाय जीन्स, और जो ट्रेड्स होते हैं ये भी डिसाइड किसके द्वारा होते हैं, जीन्स के द्वारा होते हैं। व्हाट हाउ, लेकिन कैसे, एक चीज़ याद रखना, जैसे क्रोमोसोम, हमने क्रोमोसोम्स के अंदर बताए थे 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, 23 पेयर्स होते हैं। तो हर ऑर्गेनिज्म या ह्यूमन बीइंग में, मतलब ह्यूमन बीइंग में किसी भी की हम बात करते हैं, जैसे हेयर की बात करते हैं, इसकी बात कर रहे हैं, हेयर की बात कर रहे हैं, या हाइट की बात कर रहे हैं, हाइट की बात कर रहे हैं। तो हाइट का जो होता है, मतलब दो फॉर्म में जीन होते हैं, ये जीन होते हैं टू फॉर्म, एक होता है जिसको हम टी से, कैपिटल टी से डिनोट करते हैं, एक स्मॉल टी से डिनोट करते हैं। ये टी फॉर टॉल होता है, और दिस टी फॉर शॉर्ट या ड्वार्फ। अगर ये वाले, इन एवरी ह्यूमन ए पेयर ऑफ जीन्स, हर ह्यूमन में क्या होता है, एक पेयर ऑफ जीन्स होते और हर करेक्टर्स में होता है। तो जैसे हम बात कर रहे थे हाइट की, हाइट में ये जीन्स होते दो फॉर्म में पाया जाता है, एक होता है टॉल होता है, एक होता है शॉर्ट होता है, ड्वार्फ, जिसको हमने बताया टी जो होता है ये डोमिनेंट होता है। ये क्या है, डोमिनेंट, डोमिनेंट मतलब कह सकते हैं ये हमने बताया था क्या होता है, ये टी वाला जो है ये टाल होगा और डोमिनेंट होगा, और अगर जिसमें ये करेक्टर होगा तो वो ऑर्गेनिज्म का वो ऑर्गन क्या होगा, टाल ही होगा, ठीक है। और ये क्या होता है, ये शॉर्ट करने के लिए होता है, ठीक है। इसको हम कहते हैं रिसेसिव, क्या कहते हैं, रिसेसिव, क्या होता है, ये रिसेसिव होता है और ये डोमिनेंट होता है, ये रिसेसिव होता है, ये डोमिनेंट होता है। अब रिसेसिव और डोमिनेंट का लिख लीजिए, तो डोमिनेंट क्या होते हैं, टी से हम डोमिनेंट वाले जीन को टी से डिनोट कर रहे हैं, दी जीन विच डिसाइड ट्रेड्स इन प्रेजेंस ऑफ अदर डिफरेंट जीन। तो ये किसके लिए है टी, ये टॉल के लिए। ओके वी कैन से जीन विच डिसाइड ट्रेड्स इन प्रेजेंस ऑफ अदर आइडेंटिकल जीन। ओके हम आपको क्या बता रहे हैं, जीन्स जो होते हैं इन टू फॉर्म में होते हैं, टू फॉर्म में, एक होता है डोमिनेंट और एक होता है रिसेसिव। जैसे हमने बात कर रहे थे हाइट की, किसकी बात कर रहे थे, हाइट की, हाइट का जो टाल बनाता है तो उसको हम टी, कैपिटल टी से डिनोट करते हैं, जो छोटा बनाता है, शॉर्ट बनाता है, उसको स्मॉल टी से कहते हैं, जो स्मॉल टी से जो स्मॉल बनाता है, इसको शॉर्ट बनाता है, तो इसको हम टी से डिनोट करते हैं इन स्मॉल। जैसे मान लो किसी ह्यूमन में टी आता हो या टी स्मॉल टी आता हो, तो स्मॉल टी या कैपिटल टी आता हो, इसके अंदर क्या टी, सॉरी, तो स्मॉल टी, ये दोनों स्मॉल स्मॉल टी है, तो ये क्या होगा, टाल होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये डोमिनेंट है, ये टाल बना रहा है, ये कैसा बना रहा है, ये टी जो है किसके लिए, फॉर टाल, और दिस इज, अब टी जो इसमें है कैपिटल है, डोमिनेंट है, तो किसकी चलेगी, लीडर कौन है भाई, ये डोमिनेंट है वही तो लीडर है, जब लीडर के सामने किसी और की चल सकती है, लीडर ये जो चाहेगा वही होगा, अब ये तो टाल है तो ये क्या चाहेगा, टाल ही होगा। इसी तरीके से ये भी, अब इसमें फिर इसमें एक डोमिनेंट कैपिटल टी है, त
तब इसमें क्या, जब तक डोमिनेंट कैपिटल टी आता रहेगा तब तक ऑर्गेनिज्म हमारा टाल होता रहेगा। अब दोनों स्मॉल टी आ गए, ये क्या है रिसेसिव। जब दोनों रिसेसिव होंगे तब जो होता है शॉर्ट या डवार्फ होगा। ओके क्लियर पॉइंट। हमने क्या बताया था, डबल टी कैपिटल टी हो तो टाल होगा, ये रिसेसिव है और ये डोमिनेंट है, ये रिसेसिव पर टाल होगा। ये यहाँ पर डोमिनेंट है तो टाल होगा, यहाँ पर डोमिनेंट है ही नहीं, अब दोनों क्या हो गए रिसेसिव हो गए, ये क्या होगा शॉर्ट डवार्फ होता है। इसको क्या कहते हैं पता है आपको, इन दोनों पेयर ऑफ जीन को क्या कहते हैं, जीनोटाइप। क्या कहते हैं, जीनोटाइप, पैटर्न, जीन ऑफ पैटर्न, पैटर्न ऑफ जीन। ओके और इसको क्या कहते हैं, फेनोटाइप, शोन प्रॉपर्टी, PHENO, फेनोटाइप, शोन इन प्रॉपर्टी, शोन इन प्रॉपर्टी। क्लियर पॉइंट। दिस वोमैन इज ब्लॉन्ड वाइट हेयर, दिस वोमैन इज ब्लैक विद ब्लैक हेयर। अब इसका हेयर्स का जीन क्या होगा, तो इधर जाओ, इसका है ब्लैक जो होता है हमेशा डोमिनेंट होता है, क्या होता है ब्लैक डोमिनेंट, तो इसका होगा कलर कैसा होगा हेयर का, कैपिटल एच एस, और इसका क्या होगा ये, और सॉरी कहते हैं कि इसके वाइट हेयर है, इसके वाइट हेयर हैं, ये क्या है, तो हम इसको बोलेंगे क्या बोलेंगे, वाइट है तो इसको हम ब्लॉन्डी बोलेंगे, मतलब ब्लॉन्डी स्मॉल एच एस। ओके और इसके ब्लैक हेयर हैं इस वोमैन के, इसके कैसे हैं ब्लैक वोमैन, मतलब ब्लैक हेयर कलर।